फ्रेंड्स, बुक विद कंचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ उपमा, सूजी का उपमा, जो बहुत ही हेल्दी होता है। आप इसे ब्रेकफास्ट में बनाइए, बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप सूजी। इसको हम सूखा ही बिना ऑयल के ही भुनेंगे। इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे। ये देखिए दोस्तों, सूजी हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और फिर इसी कढ़ाई को चूल्हे पर रखेंगे। अब हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, मूंगफली डालेंगे और इसे भूनेंगे। देखिए मूंगफली हमारा भून गया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा काजू, डालेंगे थोड़ा प्याज। ये हमने दो प्याज को बारीक काट लिया था। इसमें डालेंगे हरी मिर्ची, दो हरी मिर्ची है, ये ग्रेट किया हुआ अदरक, अब इसे हम गोल्डन ब्राउन होने पर प्याज को भून लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा प्याज भी हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है। थोड़ा सा हम इसे और भुनेंगे। ये देखिए प्याज हमारा हो गया है। हमें हल्का ब्राउन ही चाहिए। अब हम डालेंगे इसमें पानी। ये बाउल है जिससे मैंने सूजी लिया था, एक बाउल। अब इसी बॉल से हम 3 बॉल पानी डालेंगे। हमने 3 बॉल पानी डाल दिया। अब इसको हम ढक देंगे, एक उबाल आने देंगे ढककर। देखिए हमारा पानी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच शुगर, 1/2 नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। हम इसमें ये भुना हुआ सूजी डालेंगे और चला देंगे, चलाते रहेंगे। हम फ्लेम को मीडियम टू लो करेंगे, मीडियम टू लो पे ही बनाएंगे। ये देखिए कितनी जल्दी बन के तैयार हो गई हमारी सूजी। ये देखिए उपमा बनकर तैयार है। है ना बनाना आसान? आप इसे ब्रेकफास्ट में बना के खाइए। अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए उपमा बन के तैयार है। आप भी बनाइए, खाइए। आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।